नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते ही हम कोस्टल कर्नाटका का टूर कर रहे हैं। मैंगलोर से हमने ये जर्नी शुरू करी, इस समय हम उडुपी आ चुके हैं। इस समय एग्जैक्टली हम उडुपी से 5 किलोमीटर आगे मालपे फिशिंग हार्बर के पास आए हैं। जा रहे थे हम सीवॉक और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ये एक्टिविटी देखी तो सोचा 10 मिनट रुकते हैं और उसके बाद यहीं से नज़दीक में 300 मीटर पर मालपे सी वॉक है, वहाँ पर चलेंगे। 10-15 मिनट यहाँ पर घूमेंगे, फिर हम मालपे सी वॉक को जाएंगे। अभी मैंने इनसे पूछा, ये 7 सुरमई है, इसका रेट 800 रुपये है। हम मैंगलोर बंदर भी गए थे, वहाँ पे भी हमने देखा था फिश आ रहा था, तो साइज में वो पोर्ट ज़्यादा बड़ा है या ये? साइज में एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, इंडिया में 2 नंबर का बंदर है, नंबर 2 ये बंदर है। विशाखापट्टनम नंबर 1 है, ये एकदम नंबर 2 बंदर है। आप क्या काम करते हैं? मैं इधर वो मच्छी परचेस करता हूँ, फिश मिल केल का, वो फीड के लिए जाता है फैक्ट्री पाउडर के लिए। वो पाउडर बना के वो ये फूल का गार्डन में सब डालते हैं, फीड के लिए डालते हैं। थैंक यू। ओके, पोर्ट से 300 मीटर के डिस्टेंस पर ही मलपे सी वॉक है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए जी, हमें यहाँ से उधर तक जाना है जहाँ से वॉक करते करते जाएंगे, दोनों तरफ समुद्र होगा। चलिए चलते हैं और वहीं से हमको बोट भी मिलेगी सेंट मेरी आइलैंड जाने के लिए। सी वॉक के स्टार्टिंग पॉइंट तक हम आ चुके हैं, यहाँ से हमें सीधे जाएंगे 450 मीटर। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर उद्यावर रिवर है, यहाँ पर अरेबियन सी, दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, समुद्र अच्छा लग रहा है। हालांकि धूप बहुत तेज निकली हुई है, फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। हम सी वॉक के लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं, यहाँ पर खड़े होके ना और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जितना वहाँ हमें देखने में लग रहा था उससे बेटर हमें यहाँ से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप महसूस कर सकते हो कि दूर दूर तक सिर्फ पानी है। शाम के समय अगर आप 4:30 बजे आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अर्ली मॉर्निंग आइए। शाम को 4:30 बजे या 5 बजे आकर आप सनसेट देखो यहाँ से, ये नज़ारा इंजॉय करो। अभी क्या, सूरज हमारे ठीक ऊपर है तो धूप अच्छी खासी तेज है, लेकिन ये जगह मेरे को बहुत पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो अभी 10-15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम आगे जाएंगे देखने के लिए और पता लगाएंगे कि जो फेरी है वो कितनी देर में चलती है, जिसको हमें जाना है सेंट मेरी आइलैंड। हम बोटिंग पॉइंट तक आ चुके हैं। अब यहाँ सीन ये है कि टोटल 30 मेंबर्स होने चाहिए तब बोट यहाँ से जाती है। जो वैसे टाइमिंग्स हैं सुबह 9 to evening 5 है, तो 30 मेंबर हो जाते हैं। यहाँ से आधा घंटा लगता है सेंट मेरी आइलैंड पहुँचने में, वहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलता है और आप उसके बाद आधा घंटा लगा के यहाँ पे वापस आते हो। अगर आप 3:30 से पहले आओगे तो 1 घंटे का टाइम, 3:30 के बाद आओगे तो सिर्फ वहाँ आधा घंटा रुकने को मिलता है। तो अभी ये कह रहे हैं कि वेट करो 30 मिनट्स 45 मिनट्स कि सारे मेंबर आ जाए, फिर यहाँ से चले। यहाँ पर बाहर 6-7 दुकानें हैं, आपको जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, गर्मी लग रही है तो कैप या हैट ले लो। टेन 45 हो चुके हैं, अभी 10 मिनट और लगेंगे बोट चलने में, आधे घंटे का ये सफर है।
आइलैंड के पास हम पहुंच चुके हैं, यहां से हमें छोटी बोट में जाना होगा। ऐसा पहले नारियल पानी पीते हैं, फिर आगे चलेंगे। 50 रुपए का एक नारियल पानी है यहाँ पर। शरीर को ठंडक पहुंचेगी, मौसम बहुत गर्म है आज। सही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अच्छा, बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है ऐसा मुझको लग रहा है। आधे घंटे पौना घंटा में घूमना चाहो तो अच्छे से घूम सकते हो। क्या बात है, जबरदस्त। वाओ, क्या सही लग रहा है। देखो इस समय हम हाइट पे हैं, हल्का सा हाइट है, और सामने दूर दूर तक समुद्र देख रहे हैं। समुद्र का पानी एक डिफरेंट ही शेड, डिफरेंट ही कलर, मस्त लग रहा है। और ये कितनी सारी रॉक्स हैं, कुछ आगे वाली रॉक्स तक तो आप नहीं जा सकते, लेकिन साइड में जो एकदम पास पास रॉक्स हैं वहाँ पर आप बैठ के फोटो कर सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो। सो ब्यूटीफुल। कुछ टूरिस्ट भी हैं यहाँ पर जो हमारी बोट में ही आए हैं। टोटल 30 लोग नहीं थे, 18-19 लोग थे, तो उन्होंने बोट को चला के हमें यहाँ भेज दिया। पानी के पास जाएंगे। सारी सीप है यहाँ पर, देखो। इधर ही रहना है अपने को, एकदम ढलान है यहाँ पर, आगे जाना ठीक नहीं है, यहीं पर रहेंगे। वाह, क्या बात है। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इतना साफ समुद्र का पानी हमें कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अभी यहाँ हम खड़े हैं, 2-2.5 फीट नीचे आराम से देख सकते हैं। दिल खुश हो गया वाकई, वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पर आए। 5 मिनट यहाँ पर बैठेंगे। स्लिपरी है ये जगह, यहाँ ठीक है। लवली लवली। यहाँ पर आने से पहले मैं विकिपीडिया में इस आइलैंड के बारे में पढ़ रहा था। लिखा हुआ था 1498 में वास्को डगामा केम टू दिस आइलैंड। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक क्रॉस लगाया एज ए डेडिकेशन टू मदर मेरी। उसके बाद से ये आइलैंड कहलाने लगा सेंट मेरीज आइलैंड। यहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई भी अगर आता है तो शाम को वापस जाता है। नारियल पानी जो पर्सन बेच रहा था वो भी उडुपी से आया नारियल पानी बेचकर शाम को वापस। रात में कोई नहीं रुकता। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोकोनट ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। हम पार करते करते इस तरफ आ गए हैं। यहाँ का नज़ारा एकदम अलग है। अब क्या सारे लोग टूरिस्ट उस तरफ हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ना 1 घंटा बहुत कम है। जिस बोट पे हम आए उन्होंने हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे में वापस आओ, वो भी 3:30 से पहले। अगर आप 3:30 के बाद आओगे तो सिर्फ आधे घंटे का टाइम देते हैं, और हमारा 1 घंटा बस समझ लो पूरा हो ही गया है। तो आपको खाली ये लोकेशन दिखाने ले आए और हम भी खुद देखने आ गए। बहुत अच्छा ट्रिप हमारा यहाँ पे आना, दिल खुश हो गया। चलो बाय द वे ये टी शर्ट भी आप देख लो, ये अभी हमने अपना मर्चेंडाइज तैयार किया है। ऐसे 5-6 डिज़ाइंस हैं, गजब एक्सपीरियंस है वीज़ा टू एक्सप्लोर। तो आप ये और टी शर्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कड़क मर्च से हमने टाई अप किया है, kadakmerch.com, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो बोट की तरफ चलते हैं।
लौट कर वापस हम सी वॉक के पास आ चुके हैं। सामने देखिए, दूर आपको मलपे बीच दिखाई दे रहा होगा। हम आपको मलपे बीच पहुंचते हैं और वहां पहुंच के ज्वाइन करते हैं। हम मलपे बीच पहुंच चुके हैं। आप यहां पर देखो चहल पहल कितनी ज्यादा है। दोपहर का समय है, फिर भी इतने टूरिस्ट हैं यहां पर जो पानी में एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैंने देखा बीच के बाहर ही कुछ रिजॉर्ट भी हैं, एक या दो, तो वहां पर आप रूम ले लो जो बीच फेसिंग हो तो बहुत अच्छा लगेगा यहां पर रुकना, क्योंकि समुद्र आपके सामने, सुबह उठो शाम को देखो, अच्छा लग रहा है। और यहां पर ना वाटर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। इस समय हमारे साथ चैनल सब्सक्राइबर हैं प्रख्यात, आप यहीं के रहने वाले हो, ग्रेट। अचानक हमारी मुलाकात हुई, तो कुछ बताओ इस बीच के बारे में। ये मलपे बीच इंडिया का फर्स्ट वाईफाई फ्री बीच है सर, जहाँ आप फ्री वाईफाई यूज कर सकते। अच्छा, ग्रेट। अभी मैंने ना 5 मिनट पहले ये पता लगाया था, पैरासेलिंग का ये लोग 800 रुपये लेते हैं, 2.5 मिनट का राउंड होता है। साथ में अगर आप बनाना ऐसा करना चाहते हो वाटर स्पोर्ट्स, तो 200 रुपये एक आदमी का लेते हैं और 10 लोग एक साथ जाते हैं, अगर 6-7 होंगे तो भी ले जाते हैं। तो वो 10 मिनट की एक्टिविटी है, बनाना राइड और पैरासेलिंग 2.5 मिनट्स। तो हम यहाँ पैरासेलिंग करने का सोच रहे हैं, करोगे? नहीं सर। नहीं, ठीक है। सामने जो बोट है ना उस पर हम जा रहे हैं, आगे जाके हमारी पैरासेलिंग स्टार्ट होगी। चले भैया, अभी यहाँ पे जाना। अब ना हम दूसरी बोट पे आ गए हैं, इसको बोलते हैं विंच पैरासेलिंग बोट। यहाँ से हम फ्लाई करेंगे और वापस भी लौट कर इधर ही आएंगे, ठीक है? तो ये टोटल 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट्स, ठीक है जी। अब माइक्रोफोन यहाँ पे छोड़ते हैं। अभी मैं 2.5 मिनट हवा में था, तो ये जाने का सिस्टम ऐसा था कि पता भी नहीं चला कि मैं कब ऊपर टॉप तक पहुंच गया। कितनी ऊपर तक गया हूँ? 150 मीटर्स, 140 मीटर्स। गजब। ऊपर से तो क्या लग रहा था, इन्होंने बोला कि ऊपर जाके अपना हाथ छोड़ देना, तो लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा 20-30 सेकंड हाथ छोड़ा, उसके बाद हाथ पकड़ के रखा। मेरे को लगा कि हाथ कैसे छोड़ेंगे, लेकिन मज़ा आ गया। अच्छा, अगर कोई आपको बोले डिप करा दो, तो ऊपर से नीचे लाके डिप करा के वापस ऊपर ले लेते हो? अरे वाह। तो मेरे को तो वो कपड़े चेंज करने का थोड़ा वो था, इसलिए मैंने डिप के लिए मना किया, मना मतलब मैंने बोला नहीं डिप करने को। मज़ा आ गया भाई साहब, हैं? तो ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको पक्का लेना चाहिए। वैसे एक पैरासेलिंग वहाँ पर भी होती है, आप सैंड से आपको पिकअप करेंगे और वापस सैंड में छोड़ेंगे, है ना? तो आप लोग बोट से लोगे और विंच बोट पे छोड़ोगे। अभी हम बीच से लगभग 300-400 मीटर तो आई के होंगे आगे, है ना? लवली। हम सी बीच से चले और 5-6 किलोमीटर का सफ़र करके एनाटॉमी म्यूजियम आ चुके हैं। इस समय म्यूजियम क्लोज्ड है, कोविड के बाद रीओपन ही नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए
म्यूजियम में आपको ह्यूमन बॉडी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है उसी का ये पार्ट है। स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स देखने में वो भी आते हैं यहाँ पर, और टूरिस्ट भी आते हैं। सुबह मैंने यहाँ पर पढ़ा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये म्यूज़ियम ओपन होता है। मुझे किसी ने बताया कि ये म्यूज़ियम साउथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एनाटॉमी म्यूज़ियम है। दूसरी बात, इस समय हम मणिपाल यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं, चाहे उनको मेडिकल कोर्स करना है, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स, यू थिंक ऑफ अ कोर्स एंड इट इज़ अवेलेबल इन मणिपाल यूनिवर्सिटी। काफ़ी बड़ा कैंपस है, एग्जैक्ट स्टूडेंट स्ट्रेंथ तो नहीं पता, लेकिन एक अंदाज में 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में जो सारे कोर्सेज कर रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं कुंदापुर के लिए। रास्ते में हम कहीं पे करेंगे लंच और आपको थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे। उडुपी से लगभग हम 25 किलोमीटर कुंदापुर रोड पे आए। यहाँ पर हमने लंच के लिए एक होटल आइडेंटिफाई किया, सामने आप देख लीजिए होटल लता। इस जगह को कोटा बोलते हैं, KOTA। अंदर चलेंगे। होटल के ओनर हमारे साथ हैं, तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि यहाँ क्या फेमस है, तो आपने मुझे सजेस्ट किया है मेंथे डोसा स्पेशल है। अच्छा, एक तो हम मेंथे डोसा कैसे बनाते हैं वो देखना चाहते हैं, और फिर हम यहाँ पे बैठेंगे। थैंक यू। यहाँ पर आके मैंने अपने सामने मेंथे डोसा बनते हुए देखा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि इसका जो बैटर है उसका टेक्सचर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने मेरे को समझाने के लिए मेरे को इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए, तो इसे हमें पता लग गया है कि इसके अंदर क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मेथी सीड्स, मेंथे मतलब मेथी सीड्स, राइस रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है, मैदा, पोहा, साथ में गुड़ रहता है। मेंथे डोसा मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, पहली बार खा रहा हूँ। ओह, बहुत सॉफ्ट है। ऊपर इन्होंने थोड़ा मक्खन डाला, साथ में मुझे कोकोनट चटनी दी, लवली। मैंने जैसा आपको बताया कि हाथ लगाने से मुझे सॉफ्ट लग रहा था, और खाते समय उसकी सॉफ्टनेस मैंने महसूस करी, और साथ में मेन बात पता है क्या, इसके अंदर जैगरी होने से जो आपकी मेथी की कड़वाहट है वो बैलेंस हो गई, और बड़ा यूनिक सा टेस्ट है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा खाओगे तो मैदा आप गेस कर लोगे, मैदा और जैगरी, ये दो चीज़ आप गेस कर लोगे। अच्छा, एक बात है, जैसे मेंथे डोसा में जैगरी है ना, तो आप ये चटनी में बहुत सारी हरी मिर्च है, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस है। अगर आपको तीखा चाहिए तो काफ़ी सारी चटनी लगाओ और इन्जॉय करो। मैंने अपने लिए दो चीज़ और मंगवाई है, एक है रागी मुद्दे पालक दाल के साथ। अब दोबारा कर्नाटका कब आए तो मालूम नहीं, इसके लिए आज ही हम टेस्ट इन्जॉय कर लेना चाहते हैं। साथ में खोटे कडबू जो इन्होंने हमें चने दिए, सफ़ेद चने, और साथ में तोवे दाल, मतलब तुअर दाल होती है लेकिन यहाँ पे तोवे बोलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो कोते इडली, एक बार पहले मैंने मुंबई में खाई थी, इसमें क्या करते हैं, जैकफ्रूट की लीफ के अंदर इसको स्टीम करते हैं, तो ये है कोटे और उसके अंदर कडबू, कडबू मतलब इडली, तो पहले ये खाएंगे। इस रीजन में कम ही रेस्टोरेंट है जहां पर आपको रागी मुद्दे खाने को मिलेगा, जनरली ये बैंगलोर साइड में ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लो जी, इसको हम ऐसा दाल में डिप करेंगे। मेरे को याद है जब मैं हैदराबाद गया था तो वहां मुझे बताया था इसका मटन के साथ बड़ा कॉम्बिनेशन होता है।
रागी तुम जानते ही हैं पावर मील है, और साथ में पालक दाल के साथ इन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला है। दाल के साथ साथ थोड़ा सा कोकोनट चटनी भी लगाएंगे। लो जी, एक बात माननी पड़ेगी, जो टेस्ट मैं रागी मुद्दे और दाल के एंजॉय कर रहा था वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया जैसे मैंने कोकोनट चटनी ऐड करी। उसका मेन रीजन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑसम है, साथ साथ ये जो कोकोनट चटनी है ना इसका स्वाद ही बड़ा लाजवाब है। कोटे कड़बू टेस्ट करते हैं। ये आप देख लीजिए ऐसे रहता है, जैसे मैंने आपको बताया जैकफ्रूट लीफ के अंदर इडली बैटर रहता है, तो उसमें मेन क्या होता है जो इस लीफ का फ्लेवर है ना वो आपको इसमें इंजॉय करने को मिलेगा, तो बड़ा टिपिकल सा टेस्ट हो जाता है। कोकोनट चटनी के साथ इंजॉय करेंगे पहले। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, सबसे मेन है आप इसमें थोड़ा ये कोते कटबू डालो और तोवे दाल के साथ इंजॉय करो। इस दाल में जो सबसे बढ़िया फ्लेवर है ना वो है हींग का। वैसे भी जो जीएसबी स्टाइल क्यूजीन रहती है उसमें हींग रहता ही रहता है। आज यहां पर जो तीनों चीज मैं टेस्ट कर रहा हूं ना, तीनों लाजवाब है। वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा हो गया हम यहां पर रुके, और रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखकर भी जज कर सकते हैं कि इस एरिया का ये पॉपुलर रेस्टोरेंट है, क्योंकि अभी 5 बजे का टाइम है फिर भी कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब ना लंच टाइम ना डिनर टाइम लेकिन क्राउड आ रहा है। लंच फिनिश करके मैं आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हमें आपके यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया लगा ना वो मेंथे डोसे, वेरी वेरी टेस्टी है ना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ से आने गुड्डे टेम्पल कितना आ गया? 5 किलोमीटर्स। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक्स। अभी हम आने गुड्डे टेम्पल के अंदर गए, भगवान गणपति के हमने दर्शन करे। जो मैंने समझा वो बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब महाभारत के समय जब पांडव वनवास के दौरान यहाँ पर आए तो कहते हैं यहाँ पर गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन दिनों एक कुंभ नाम का राक्षस ऋषि लोग जो थे, संत लोग थे, उनको परेशान करता था। तो गौतम ऋषि जी ने युधिष्ठिर को इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन जी को बोला, तो भीमसेन ने कुंभ राक्षस से एक पूरा दिन युद्ध किया, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि इस राक्षस का जो वध होगा, कुंभ राक्षस का, ये होगा भगवान गणपति की तलवार से, जिसको 80 बोलते हैं। फिर भीमसेन जी ने तपस्या करी भगवान गणपति की, भगवान गणपति यहाँ पर प्रकट हुए हाथी के रूप में, तो भगवान गणपति ने पांडवों को हाथी के रूप में दर्शन दिए। ये कारण की वजह से इस जगह को बोलते हैं आने गुड्डे, मतलब एलिफेंट हिल।
एक तो ये हिल है और दूसरा भगवान गणपति ने इसी जगह दर्शन दिए, तो इस वजह से आने गुड्डे इस स्थान को बोलते हैं। अब राक्षस जो था जिसका नाम कुंभ था, उसको उसका वध हुआ भगवान गणपति की तलवार से, तो इसकी वजह से इस जगह को कुंभासी भी बोला जाता है। अंदर से टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, आप नोटिस कर ही रहे होंगे। इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं, अब हम यहाँ से कुंदापुर जाने को निकल रहे हैं, तो मुझे लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अब कुछ देर में हम आपको कुंदापुर पहुँच के ज्वाइन करते हैं। हम कुंदापुर पहुंच चुके हैं। आज नाइट स्टे के लिए हमने जहां एकोमोडेशन लिया है, इस बिल्डिंग का नाम है वेंकट रमना आर्केड और इस लॉज का नाम है सवी सागर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रूम टैरिफ सामने लिखे हुए हैं। आज रात को हम यहीं पर रुकेंगे, इस आर्केड के 5th फ्लोर पे ये लॉज है। तो मैं आपको जैसे भी रूम दिखाया और इस समय मैं रिसेप्शन पर ही खड़ा हूँ, तो यहाँ से हम कल सुबह चेकआउट करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर डिनर करने चलते हैं। थोड़ी देर पहले हम शेट्टी लंच होम पे डिनर करने आए थे, हम यहाँ पे चिकन घी रोस्ट खाना चाहते थे, तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ ना इंस्टेंट नहीं है चिकन घी रोस्ट, आप ऑर्डर दो, आपके लिए तैयार किया जाएगा, इसके लिए आप 1 घंटे बाद आओ। तो अब 45-50 मिनट हो चुके हैं, हम लौट कर वापस आए हैं, अंदर चलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये रेस्टोरेंट चिकन घी रोस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए एक प्लेट तो हमने ये लिया, साथ में मैंने काने फिश लिया। लगभग आज से 50 या 60 साल पहले इन्होंने ही चिकन घी रोस्ट की खोज करी है, तब ये आइटम कभी होती नहीं थी, तो इन्होंने पहली बार बनाई, फिर लोगों ने पसंद किया, तो आज की तारीख में ये पूरे रीजन में चिकन घी रोस्ट पॉपुलर चिकन आइटम है। ऐसा मेरे को इन्होंने बताया कि इसको घी में ही तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम चिकन घी रोस्ट है। आमतौर पर लोग नीर डोसा के साथ भी खाना पसंद करते हैं और केरला परोठा के साथ भी, तो हमने दोनों एक एक अपने लिए मंगवा लिया। बहुत बेहतरीन टेस्ट है, इसको तैयार करने में जो 1 घंटा लगाते हैं ना ऑर्डर देने के बाद, उससे टेस्ट में कितनी फ्रेशनेस आती है। भले देखने में लग रहा हो मसाले ऐसे हैं, लेकिन स्पाइसी नहीं है ज़्यादा। मेन बात इसके अंदर क्या है, घी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, दूसरा हल्का हल्का टेस्ट में बड़ी माइल्ड सी मिठास है, कुछ कुछ वो मिठास कोकोनट मिल्क जैसी है। चिकन घी रोस्ट यहाँ पर टेस्ट करके ये बात तो आप महसूस करोगे कि तबीयत से तैयार किया जाता है। काने फिश, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि यहाँ पर अंजल, सुरमई और काने पॉपुलर फिश है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो फ्राई करके या मसाला करके अलग अलग टेस्ट में इंजॉय करने को मिलेगी। अभी तक मैं जिन रेस्टोरेंट में गया हूँ, मैंने यही नोटिस किया है, सब लोग कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, काने फिश फ्रेश वाटर फिश है, तो टेस्ट एकदम अलग है इस मच्छी का। जितना स्वाद मेरे को यहाँ पे चिकन घी रोस्ट लगा, उतना ही टेस्ट मेरे को ये काने फिश मसाला का भी लगा। बाकी का फूड हम फिनिश करते हैं और आपसे मुलाकात हमारी कल होगी, जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। कल का वैसे हमारा प्रोग्राम ये है कि हमें मुरुडेश्वर जाना है, अभी तक तो ये सोचा कि वहाँ पर जाके हम नाइट स्टे करेंगे, लेकिन अगर जल्दी फ्री हो गए वहाँ से 4 या 5 बजे तक, तो फिर हम आगे उसके स्टे करेंगे। बताइए ये कर्नाटका कोस्टल सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, और आज के एपिसोड के बारे में बताइए कि कैसा लगा आज का ये एपिसोड। अब आपको मैं बाय बाय करता हूँ, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। Thanks for your time.